आज करेंगे अनबॉक्सिंग पोको एक्स टू की और देखेंगे लॉकडाउन के बाद जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप चाइनीज़ ऐप बंद कर दी तो तब भी क्या यह कंपनियाँ अपने फ़ोनों में वो चाइनीज़ ऐप डाल के दे रही हैं या फिर गवर्नमेंट रूल को फॉलो कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको एक्स टू को और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट से इसमें यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्ज। तो इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, साइड से कुछ ऐसा है। और अगर हम इसके इस वेरिएंट की बात करें तो यह यहाँ पर 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा गया है दोस्तों फ़ोन में, मेड इन इंडिया। तो ये मेड इन इंडिया नहीं होता दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ, असेंबल इन इंडिया होता है, लेकिन ये कंपनी क्या करती है मेड इन इंडिया करके इस नाम से बेचती हैं। और अगर हम यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर पहले तो ये डिस्प्ले दिया गया है, इसका कैमरे का यहाँ पर डिटेल दी गई है, 64 MP का क्वाड रियर कैमरा है और 20+2 का सेल्फी कैमरा है और स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर इसमें दिया गया है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, 4500 mAh की बैटरी है जो कि फास्ट चार्जर के साथ आती है, 27 W का फास्ट चार्जर इसमें दिया गया है। बाकी ये डिटेल दी गई है, नीचे दिया गया है मेड इन इंडिया का टैग लगाया गया है दोस्तों। तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या खास है या फिर इसमें वो, हाँ जो हम देखना चाह रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप यहाँ पर बैन करी गई हैं या नहीं, गवर्नमेंट के यहाँ पर आदेश के बाद उस रूल को फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। तो हमने इसकी दोनों सील तोड़ ली हैं, अब बॉक्स को खोल के देखते हैं दोस्तों। अंदर से कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, देखिए, और इसके अंदर देखते हैं, ये येलो वाला हम कवर हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक केस है छोटा सा, इसको खोल के देखते हैं क्या अंदर से दिया गया है इसमें। तो एक सिम इंजेक्टर पिन है और इसके अंदर इस देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर ये वारंटी कार्ड्स और इसके फ़ोन के गाइडलाइंस और एक केस दिया गया है दोस्तों। तो एक ट्रांसपेरेंट केस है यहाँ पर, तो इसको रख लेते हैं साइड में, फ़ोन का लुक देख लेते हैं कैसा है। तो फ़ोन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये देखिए, इसको निकालते हैं पन्नी से बाहर। ओ, सबसे पहले हम इसका लुक देखें तो वाह, ये हमने रैपर हटाया और यहाँ पर अगर हम इसका लुक देखें तो क्या ग्लॉसी लुक है इसका, वो एकदम से ऐसा चमक रहा है कि आप देख ही सकते हैं। और ये पर्पल कलर मैंने ऑर्डर करा था, कंपनी का कहना है कि पीछे की तरफ ये जो ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास है, यहाँ पर पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी गोरिल्ला ग्लास है। तो ये गोरिल्ला ग्लास 5 है या 6 इसमें दिया गया है, देख लेते हैं डब्बे पे क्या लिखा है। तो इसमें गोरिल्ला ग्लास दिया गया है आगे भी और पीछे भी, तो इसमें स्क्रैच के तो कहीं से कहीं तक इश्यू नहीं आएंगे आपको, लेकिन फिर भी कवर लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये फिंगरप्रिंट, ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आ जाते हैं ये ग्लास ही लुक में। और अगर हम इसके साइड से इसको देखें तो एक यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं फोकस यहाँ पर उंगली से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर इसका पावर बटन है, साथ ही साथ ये ही इसका फिंगरप्रिंट जो आप सिक्योरिटी लगाते हैं वो भी इसी के साथ ही दिया गया है। तो आप ये पावर बटन के साथ ही इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो एक सेकेंडरी माइक दिया गया है और आयर ब्लास्टर दिया गया है जिससे कि आप अपने फ़ैन, अपने AC और अपने TV को चला सकते हैं। और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर दिया गया है, सिम ट्रे दी गई है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा यहाँ पर पैनल खाली है। और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं, एक माइक्रोफोन है और USB Type-C यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एक हेडफोन जैक दिया गया है। तो फ़ोन को तब तक बूट के लिए लगा देते हैं और इसके तब तक देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या दिया गया है।
तो ये हमने बूट होने के लिए लगा दिया है। तब तक हम देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या दिया गया है। एक चार्जर है और एक USB टाइप सी केबल दी गई है और इसका एक चार्जर दिया गया है साथ में। चार्जर जो है वो 27 वॉट का फास्ट चार्जर है ऐसा बोला गया है कंपनी की तरफ से, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है, 12 वोल्ट दिया गया है। तो MI का यह साइन है, देखिए MI का ये सब ब्रांड है यहाँ पर इंडिया के लिए, जो कि पोको नाम से आता है MI का। तो ये इसका चार्जर है और ये डिस्प्ले है, ये सॉरी केबल है, सी टाइप केबल। तो फ़ोन को बूट करते हैं और आगे देखते हैं क्या इस पर है। सबसे पहले MIUI 11 दी गई है इसमें, इसको बूट कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको। हमने बूट करा, अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन सी ऐप हमें चाहिए भाई। सबसे पहले तो अभी हम देख रहे हैं WhatsApp है, Instagram है, Truecaller है, ये है JioSaavn है, ये सब तो चाहिए ही हमें, Jio है। ठीक है, गेम हम हटा देते हैं, MD मास्टर पता नहीं क्या चीज़ है ये भी हटा देते हैं, लूडो किंग हटा दिया हमने, फेसबुक लाइट, अब हम फेसबुक वाला चलाएंगे तो इसको क्यों रखें, जियो टीवी चाहिए, डेली हंड न्यूज़ है, लूडो है, और ये सब हटा देते हैं हम लोग। तो ये बोला इतना इंस्टॉल करने के लिए, इसके लिए अभी नेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या रहेगा पता नहीं। अभी ये सेटअप कम्प्लीट के लिए कह रहा है, तो हमने क्लिक कर दिया इस पर सेटअप कम्प्लीट के लिए। तो अब ये बूट हो गया फ़ोन, ये तो इस तरीके से देखिए ये खुल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें शेयर मी है, फाइल मैनेजर है, बबल्स है, बुकिंग है, बबल। अभी तक तो हमें इसमें चाइनीज ऐप नहीं मिली है। नीचे देखते हैं, ये मिल गया, हेलो मिल गया है एक इसको हमारे पास, लेकिन ये अनइंस्टॉल करने का नहीं आ रहा है, तो इसे हमें डिसेबल करना पड़ेगा अंदर से। एक MI की ये देखिए, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कराया है वो चीज़ इसमें डाल के दी है, MI कम्युनिकेशन वाला। और अगर हम और चीज़ भी देखते हैं यहाँ पर, तो बाकी चीज़ तो नहीं दी गई है। एक ये MI क्रेडिट हो गया, MI के कुछ एप्लीकेशन है ये तो सारे ही फ़ोनों में रहते ही हैं, पर एक ये हेलो जो ऐप है ये दी गई है, तो इनको हमें मैन्युअली हटाना पड़ेगा। और हम यही देखना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का ये कितना यहाँ पर मान रहे हैं, कितना ये गवर्नमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं, यही चीज़ देखना चाह रहे थे। बाकी इसके फंक्शन और ये तो आपको पता ही होंगे, अगर आप इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या इसमें है, तो ये आप जानना चाहते हैं तो ये भी बताइए, लेकिन ज़्यादातर तो ये बताइए होंगे क्योंकि ये फ़ोन आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और बाकी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया कि कैसे क्या है। फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पर साइड में दिया गया है, बाकी पीछे इसके चार कैमरे दिए गए हैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा अगर नज़दीक से दिखाऊँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लिखा गया है ये कैमरे का, सुपर AI कैमरा 64 मेगापिक्सल, और ये डिज़ाइन बाय पोको। तो ये यहाँ पर एक इसके चार कैमरे हैं जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, और उसके बाद यहाँ पर बाकी के कैमरे हैं 12 मेगापिक्सल, ऐसा कितना है देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और अगर फ्रंट की बात हम करें तो यहाँ पर दो कैमरे दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो कैमरे दिए गए हैं 20+2। तो इस तरीके के हैं यहाँ पर कैमरा सैंपल, अगर आपको इसके देखने होंगे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अन्य कुछ फीचर इसके देखने हैं तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी मेरा मकसद बस इतना ही था कि गवर्नमेंट रूल को ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर ऐप तो इसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन एक हेलो ऐप है और MI की जो खुद की ऐप होती हैं वो सब इस पर डाल के दी गई हैं, बाकी चीज़ें तो हटा रखी हैं। और इसमें प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा अलग से ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास या फिर कोई ऐसी प्रोटेक्शन लगा के नहीं दी गई है स्क्रीन पे, लेकिन कंपनी कहती है कि गोरिल्ला ग्लास है, तो इसलिए आगे और पीछे दोनों गोरिल्ला ग्लास है, इसलिए डर की ज़रूरत नहीं है बोलते हैं। तो बाकी हम देखेंगे इसके और चीज़ चला के कि कैसा फ़ोन चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपको भी इसको इस चीज़ को जानना है आगे, और भी कुछ इसके फंक्शन आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसके बारे में बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, या फिर कैमरा सैंपल चाहिए आपको, वीडियो सैंपल जो भी चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जो मकसद था ये कोई इसको प्रमोशन करना या चाइनीज़ फ़ोनों को प्रमोशन करना ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ बस आपकी जानकारी के लिए था कि क्या ये पोको या फिर कोई भी यहाँ पर जो भी चाइनीज़ फ़ोन है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस मेरा मकसद वही चीज़ था कि दिखाना नए फ़ोन, अब जो
आ रहे हैं। जुलाई अब ये 2020 है और जुलाई 2020 यहाँ पर जब से ये ऐप बंद हुई है चाइनीज़ ऐप, उसके बाद भी यह फ़ोन अपने फ़ोनों में वो चाइनीज़ ऐपों को डाल के दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस मेरा मकसद यही जानना था। बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी की पेड वीडियो नहीं है, मेरा मकसद बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कुछ इस फ़ोन के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल पर आए और अलग अलग तरह की जानकारी जो मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ वो सभी लोगों को पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत